Hello everyone, open your value education textbook and go on page number 42. Dear friends, in this video we are going to learn our second story from sixth lesson, that is heads head up, feet on the ground. This is the story of one student named Hamsa. She is topper in the school level, but when she takes admission in college and she participates in debate, that time she loses that debate competition, and at that time she also lose her confidence, self-confidence. But after her teacher Mrs. Girija's advice, she changes herself and becomes IAS officer after completing education. So we are going to see story of Hamsa. ओके फ्रेंड्स, आज जो हम स्टोरी देखने जा रहे हैं वो एक हमसा नाम के स्टूडेंट की है, जो कि स्कूल लेवल में टॉपर रहती है, स्टडी में, स्पोर्ट में, चाहे वो मार्चिंग हो, सब में फर्स्ट रहने वाली. जब कॉलेज में एडमिशन लेती है तो उस वक्त भी वो सोचती है कि इस कॉलेज में भी मैं वैसा ही नाम कमाऊँगी जैसे स्कूल लेवल में कमाया था. उसी साल वो एक डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट होती है और उसमें वो हार जाती है. हारने के बाद उसका जो आत्मविश्वास है वो डगमगाने लगता है और वो हार की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेती है. उसकी ये मनोदशा देख के उनकी जो मैडम है डॉक्टर गिरिजा, वो उसको एडवाइस देती है, हमसा को समझाती है किस तरह से फेलियर का सामना करना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए. और बाद में वही हमसा कॉलेज एजुकेशन ख़त्म होने के बाद एक ज़िम्मेदार IAS ऑफिसर बनती है. सो ये स्टोरी देखेंगे हम. हमसा वॉज ऑलवेज अ टॉपर इन हर स्कूल. शी वॉज ऑल्सो एन ऑलराउंडर विनिंग एकल्स फॉर हर स्कूल. हमसा एक ऐसी गर्ल है जो कि स्कूल में हर एग्ज़ाम में टॉपर रहती थी. वो ऑलराउंडर थी, चाहे स्कूल हो, एजुकेशनल थी चीज़ें हो, कॉम्पिटिशन्स हो या स्पोर्ट के इवेंट्स हो, हर इसमें वो विनिंग एकल्स मीन्स क्या, वाह वाह, प्रशंसा, एप्रिसिएशन, हर इसमें उसकी प्रशंसा होती थी. वेल, शी हैड बीन इलेक्टेड द हेड गर्ल एंड हैड मार्च हर कंटिजेंट ऑफ गर्ल गाइड डिपिंग हर स्कूल फ्लैग बिफोर द चीफ गेस्ट नो लेस देन द गवर्नर ऑफ द स्टेट हिमसेल्फ. और वो एक कंटिजेंट मीन्स प्रासंगिक जो मार्चिंग रहता था 15 अगस्त, 26 जनवरी जैसे इसमें इवेंट में पार्टिसिपेट होती थी. उसने जो चीफ गेस्ट है प्रोग्राम के उनको फ्लैग सलामी दी थी, फ्लैग को. एंड शी वॉज चार्मिंग इन हर लुक्स टू. ऑल दिस सक्सेसेस हैड गॉट इनटू हर हेड एज शी एंटर्ड द पोर्टल्स ऑफ द कॉलेज फॉर हर हायर स्टडीज़. ये सब बातें उसके मन में आई जब वो कॉलेज के लिए एडमिशन ले रही थी और उस कॉलेज में उसने जब एंट्री की तो उसके मन में वो सब जो विक्ट्री थी उसकी, चाहे वो एग्ज़ाम में टॉपर आना हो, स्पोर्ट इवेंट में फर्स्ट आना हो या मार्चिंग के वक्त के जो प्रसंग है, जो इवेंट्स है, वो इसके याद आए और उसने कॉलेज में एंट्री ली. नाउ नेक्स्ट पेज. अ न्यू एनवायरनमेंट, न्यू टीचर्स एंड हर ओन स्कूल फ्रेंड्स हु अडल्ट हर वेयर वेरी फ्यू. अभी कॉलेज में आने के बाद एक तो वातावरण चेंज हो गया, टीचर्स नए आ गए, उसके जो पहले स्कूल के कुछ ही स्टूडेंट उसके साथ थे, बाकी सब अननोन थे. फॉर अ मोमेंट शी फेल्ट लॉस्ट. और उस वक्त ये सब नज़ारा देख के उसको थोड़ा दुख हुआ, वो नाराज़ हुई क्योंकि वो सब एनवायरनमेंट चेंज हो चुका था. बट नॉट फॉर लॉन्ग, हमसा वॉज गोइंग टू बी द रेजिंग क्वीन हियर टू. और ये ज़्यादा देर के लिए इसके मन में नहीं रहा क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद, हम सब पहले से ही टैलेंटेड थी, एक्सलेंट थी पढ़ाई में, स्पोर्ट में, तो रेजिंग स्किन जो है मीन्स राज्य करने वाले क्वीन जैसे वो फिर से चमकने लगी उस कॉलेज में भी जैसे स्कूल में वो चमकती थी. इन अ फ्यू मंथ्स द कॉलेज वॉज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर द एनुअल इंटर यूनिवर्सिटी मीट मित्रा. कुछ ही दिनों में, कुछ महीनों के बाद एक एनुअल इंटर यूनिवर्सिटी मीट होने वाला था, जैसे गैदरिंग सेरेमनी जैसा कल्चरल प्रोग्राम होने वाला था जिसका नाम था मित्रा.
It means plenty of interactions between different colleges from various universities of cultural and scholastic events. और उस वक्त उस कल्चरल इवेंट में उस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत रहने वाले जो कॉलेजेस है उन सभी कॉलेज में से एक एक टीम उनका परफॉर्मेंस उनके प्रोग्राम्स वहाँ पर प्रेजेंट किए जाने वाले थे, मतलब उसमें बहुत सारी इंटरेक्शंस होने वाली थी कॉलेज के बीच में. हमसा ऑप्टेड टू पार्टिसिपेट इन द इंटर कॉलेजिएट डिबेट क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट इट वुड बी अ केक वॉक फॉर हर. और हमसा ने क्या किया कि एक इंटर कॉलेजिएट डिबेट थी यानी अंतर महाविद्यालयीन स्पर्धा वाद विवाद स्पर्धा उसमें उसने पार्टिसिपेट किया. द टॉपिक ऑफ द डिबेट वॉज फेमिनिज्म इज अ ब्लेंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड फैमिली वैल्यूज. हमसा डिसाइडेड टू स्पीक अगेंस्ट द टॉपिक दैट प्रोफेशनलिज्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ फैमिली वैल्यूज और जेंडर. उसका ये टॉपिक था स्त्रीवाद पर, फेमिनिज्म मीन्स स्त्री पर आधारित इस टॉपिक पर उसको बोलना था, पॉइंट इकट्ठे करने थे जो कि डिबेट में बोलने के लिए उसको उपयोगी होने वाले थे. सून शी वॉज गेटिंग रेडी फॉर हर आइडियाज. लिटिल डिड शी फील द नीड ऑफ कंसल्ट हर फीफ्स और टीचर्स बिफोर गेटिंग हर पॉइंट्स रेडी. और इसके बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कलेक्ट करने के लिए वो अपने टीचर के पास जाती थी और वो रेडी करने लगी, अपने आप को प्रिपेयर करने लगी उस एग्जाम के लिए, उस कंपटीशन के लिए, डिबेट के लिए. एंड द रिजल्ट एमिड्स द गैदरिंग ऑफ ब्राइट स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस टीचर्स एंड वेल नोन पर्सनैलिटीज इन द सिटीज शी फंबल व्हेन एनकाउंटर्ड विद क्वेश्चंस फ्रॉम हर ओपोनेंट्स एज वेल एज द मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी. अभी कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गई, उस दिन की बात है. एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंट रहने वाली हमसा उस दिन स्टेज पर फंबल हो गई, वो गड़बड़ा गई. जो ओपोनेंट्स थे ऑपोजिट दूसरे महाविद्यालय कॉलेज के जो स्टूडेंट थे उनके क्वेश्चन को आंसर ठीक तरह से नहीं दे पाई. जो जज करने के लिए जो ज्यूरी थी, ज्यूरी मेंबर्स थे, उनके भी कुछ क्रॉस क्वेश्चंस थे, उनको भी वो आंसर नहीं दे पाई. हालांकि वो टैलेंटेड गर्ल थी, उसने अच्छी तरह से प्रिपरेशन भी की थी, लेकिन आयन वक्त पर वो फंबल हो गई. अभी देखो क्या होता है. शी लॉस्ट हर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड बिगेन गिविंग रिजॉइंडर्स इंस्टेड ऑफ फील्डिंग द क्वेश्चंस विथ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स. और वो जो तार्किक बुद्धिवाद था वो भूल गई, वो अपने मन में जो था वो वहाँ पर वो व्यक्त नहीं कर पाई. यहाँ पर आप हम सबको पसीने से लथपथ देख सकते हो. ये ओपोनेंट कॉलेज के स्टूडेंट से हर एक को वाद विवाद में, डिबेट में अपने मत प्रदर्शन करना होता है. उसके पॉइंट्स को दूसरे कॉलेज वाले अपोज करते हैं, अपने पॉइंट्स वहाँ पर बताते हैं. तो वहाँ पर ये ज्यूरी के मेम्बर्स भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना. अभी देखिए, उसमें वो लूज हो गई, हार गई वो कॉम्पिटिशन, वो हार गई. There was a numb silence when the jury announced the winner and crestfallen Hamsa hung her head in shame. और जब jury members ने announcement की winner की, उसमें Hamsa का नाम नहीं था, वो नाराज़ हो गई और उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगी. Back to her room, she began to retrospect the argument she had put forward. She realized she had merely chosen to speak against the topic, only thinking it would be a sensation to do so. और उसने, उसको ऐसा भी लग रहा था कि बहुत स्टूडेंट्स में से मैं यहाँ पर पार्टिसिपेट हुई हूँ, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद टॉपिक के संदर्भ में मैं कुछ नहीं बोल पाई. She walked to her mentor's room. Mentors means guru, teacher. उनके जो गाइड थे उनके रूम की तरफ हो गई. Professor Girija, let us speak. After Hamsa had let go of herself in total acceptance of the responsibility to the day's debacle means पराजय. उसने उस जो पराजय थी, जो हार थी, उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली. प्रोफेसर गिरजा began. प्रोफेसर गिरजा भी उसको गाइड करने लगे जो उनके टीचर थे. Hamsa, let's not get into preparing a post-mortem report. Let's see how you can get back your self-confidence. अभी जिस तरह से पोस्टमार्टम होता है उस तरह से तुम क्यों हारी हो, वहाँ पर क्या नहीं बोल पाई, क्या बोलना चाहिए था, या अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मत बताओ, मत क्रिएट करो. यहाँ पर सबसे पहले ये सोचो
कि हाउ कैन यू गेट बैक योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आज जो तुम्हारा आत्मविश्वास आत्मसम्मान यहाँ पर खो गया है वो कैसे वापस आए वो देखो, हार जीत चालू ही रहती है। समटाइम्स वी हैव टू वॉश अवर आइज विद अवर टीयर्स टू सी थिंग्स क्लियरली एंड करेक्टली एंड लर्न टू स्माइल व्हेन इट हर्ट्स मोस्ट। गिरिजा मैम ने, प्रोफेसर गिरिजा मैम ने ये भी बताया कि कभी कभी हमें सामने का देखने के लिए, सही देखने के लिए हमारे आँखों को आंसू से भिगोना पड़ता है, हमारी आंखें आंसुओं से साफ करनी पड़ती है। हर बार अगर हम जीतने लगे, हर कंपटीशन में हम विन होते गए तो एक नशा छा जाता है जिसकी वजह से हम पूरी तरह से उस को किसी भी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। इसलिए कभी हार होना भी ज़रूरी है क्योंकि हार के बाद ही जीत मिलती है और उसका इम्पोर्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। मैम ने क्या कहा कि समटाइम्स वी हैव टू वॉश अवर आइज विथ अवर टीयर्स टू सी थिंग्स क्लियरली एंड करेक्टली एंड लर्न टू स्माइल व्हेन इट्स हर्ट्स मोस्ट। जब दुख होता है उस वक्त भी हंसना सीखना चाहिए। कंसिडर वॉट हैज हैपन एज एन आई ओपनर फॉर यू टू नो योर शॉर्ट कमिंग्स। ऐसा समझो, ऐसा सोचो कि ये जो कुछ भी हुआ, तुम जो हारी, वो तुम्हारी आंखें खोलने के लिए हुआ और तुम्हारी जो कमियां हैं, जो खामियां, शॉर्ट कमिंग्स मीन्स जो कुछ तुम में कमियां हैं वो तुम्हें तुम पहचान सकी। डू नॉट गिव अप ऑन एनी एफर्ट्स टुवर्ड्स रिट्राइविंग योर सेल्फ फ्रॉम योर प्रेजेंट सोरो। गिव अप मीन्स छोड़ देना। अभी जो तुम प्रयत्न करती हो, जो ट्राइंग करती हो, जो एफर्ट्स करती हो वो छोड़ो मत। आई अंडरस्टैंड वॉट यू आर कैपेबल ऑफ, टेक ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होल हार्टेडली। तुम क्या हो, तुम क्या कर सकती हो, तुम्हारी कैपेसिटी क्या है, ये मुझे पता है। ऐसा गिरिजा मैम बोल रहे हैं हम सबको। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, जिम्मेदारी लो और होल हार्टेडली मीन्स जी जान से, अपने मन से कोशिश करो। नेक्स्ट पेज। बट मेक योर ईगो ओनली अ बैक स्टेज प्रॉम्प्टर। रिमेंबर ऑल दैट यू अचीव इन लाइफ इज अल्टीमेटली रिफ्लेक्टेड इन द गुड फॉर ऑल एंड यू आर गेटिंग लॉरल्स इन इंसिडेंटल। और ये सब गाइडेंस करने के बाद हार जीत चालू ही रहती है, आंसू आना भी ज़रूरी है, जब दुख होता है तब भी हंसना सीखना चाहिए। कभी भी कोई भी व्यक्ति बार बार जीत नहीं सकता। हमारा कॉन्फिडेंस जीतने के बाद, हारने के बाद भी किस तरह से बिल्डअप रखना चाहिए, ये सब जानकारी, सब गाइडेंस प्रोफेसर गिरिजा मैम ने हम सबको दिया। हम सब वॉज अ चेंज पर्सन नाउ और मैम के गाइडेंस के बाद हम सब पूरी तरह से चेंज हो गई। जो हार का दुख उसके मन में था, उसने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पर ली थी और वो खुद को जिम्मेदार मान रही थी और अपना खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस वो लूज हो चुकी, लॉस्ट किया था उसने, हार चुकी थी, तो अभी वो चेंज हो गई। बाय एंड बाय शी पिक अप इनफ करेज टू पार्टिसिपेट इन द कॉलेज एक्टिविटीज। और जैसे जैसे दिन बीत गए वो पहले जैसे ही कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट होने लगी, उसने पार्टिसिपेट होना छोड़ा नहीं। एज ईयर्स रोड बाय हम सब बिकेम अ पॉपुलर IAS ऑफिसर। और कुछ सालों के बाद जब उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ज्वाइन हो गई, IAS ऑफिसर बनी। नोन फॉर हर पॉजिटिव थिंकिंग इन मैटर्स कंसर्निंग द कम्युनिटी, पर्टिकुलरली इन वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स। और एक फेमस IAS ऑफिसर के नाम से वो जाने जाने लगी। जब इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी जो डिबेट थी उसमें हारने के बाद अगर उसने सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज किया होता, उसी वक्त उसने ट्राइंग छोड़ी होती, उसी वक्त उसने दूसरे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया होता, पढ़ाई से मन निकाला होता, क्या पॉसिबल था कि हमसा एक IAS ऑफिसर बने? नो, इट वॉज इम्पॉसिबल। लेकिन जब प्रोफेसर गिरिजा मैम ने उसको गाइडेंस दिया कि हार जीत चालू ही रहती है, हार के बाद जीत आती है, उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है, हमें हर हालत में हंसना सीखना चाहिए, इस गाइडेंस का उस पर अच्छा परिणाम हुआ। एंड यू कैन सी दैट शी बिकेम अ पॉपुलर IAS ऑफिसर फॉर हर पॉजिटिव थिंकिंग। और एक दिन वो IAS ऑफिसर बनी। सो व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरीज? वी शुड रिमेंबर वन थिंग दैट वी शुड नॉट गिव अप अवर ट्राइंग फॉर अचीविंग द गोल। जो हमें गोल प्राप्त करना है
को प्राप्त करने के लिए अगर कोई मुसीबत भी आए, कोई चुनौती भी आए, तो उन चुनौतियों को हमें आगे जाके सामना करना चाहिए, उनको हराना चाहिए और खुद सक्सेस प्राप्त करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है हम वो पीडीएफ थ्रू देखेंगे। थैंक यू।